राजस्थान में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना का दायरा बढ़ चुका है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब प्रदेश में 1628 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आज 52 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक जयपुर में 34, जोधपुर में 5, भीलवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। तो वहीं टोंक, दौसा और जैसलमेर में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं साथ ही सवाईमाधोपुर, नागौर और झुंझुनू में भी 1-1 पॉजिटिव मिले हैं। सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव राजधानी जयपुर में मिले हैं। जयपुर में अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 619 हो गई है। जोधपुर में 265, कोटा में 106, भरतपुर में 102, टोंक में 98, नागौर में 62, बांसवाड़ा में 61, झुंझुनू में 40, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 32, अजमेर में 24, झालावाड़ में 20, दौसा में 15, चूरू में 14, अलवर में 7, सवाईमाधोपुर में 6, डूंगरपुर में 5, उदयपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव हैं। तो साथ ही करौली, हनुमानगढ़ में 3-3 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पाली और सीकर, प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही बाड़मेर और धौलपुर में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 205 लोग कोरोना की जंग जीत कर स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 97 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दयाल, क्या कुछ अपडेट है? जोधपुर में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। एक तो बताना चाहूंगा कि आज सवेरे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 7 पॉजिटिव रिपोर्ट जोधपुर में आई थी कोरोना 19 की, जिसमें 2 पोखरण के थे और 5 जोधपुर शहर के थे, जिसमें 3 जो थे कबूतरा का चौक क्षेत्र के और 1 नई सड़क का था। ऐसे से मिलाकर जोधपुर में 207 से अधिक की संख्या पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव की। और आज सवेरे जब जोधपुर शहर में पुलिस गश्त कर रही, एसडीआरएफ का एक जवान गश्त कर रहा था सोस्ती गेट घास मंडी के पास लोअर की कॉलोनी में, तो वहाँ किसी ने उसके ऊपर सर पर पत्थर दे मारा। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो उन्होंने जवानों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, सोशल डिस्टेंस कायम करने की कोशिश की, तो ऐसे में 2 लोगों को लुट गया और एक ने किसी ने छत के ऊपर से पत्थर मार दिया जवान, जिससे जवान घायल हुआ और उसका इलाज चल रहा है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सदाम हुसैन व मोहम्मद सजाद को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स पर जोधपुर में भी हमला देखने को मिला है। तो साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनको हिरासत में लेने का काम भी किया है। लगातार प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव राजधानी जयपुर में है और प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 25 हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें, राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 1628 हो चुकी है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव राजधानी जयपुर में निकले हैं। आज की रिपोर्ट आई है उसमें भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव राजधानी जयपुर से निकलकर सामने आए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, क्या कुछ अपडेट है? 10-12 दिन के बाद में फिर से भीलवाड़ा में पॉजिटिव केस सामने आए हैं। भीलवाड़ा में सबसे बड़ी बात यह है, 11 दिन की राहत के बाद आज फिर एक बार 4 जने कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जी पिछले 7 दिनों से 1000 से भी ज्यादा रिपोर्टें पेंडिंग थी, इसलिए तो लग ही रहा था कि ये स्थिति बनेगी, लेकिन जब आज सुबह 9 बजे का जो रिपोर्ट आई उसमें 4 कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें जवाहर नगर निवासी 2 है, जो ऑलरेडी महिला जो है वो सब्जी बेचने का काम करती है, और एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके रिश्तेदार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही स्टोर में काम करते हैं, उनको भी क्वारंटाइन में लिया है। उन्होंने जितने आदमी से वो संपर्क में लिए हैं सबकी सैंपलिंग की जा रही है, उनको क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। आशीष जी, योगेश जानना चाहेंगे, भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू लगाया हुआ था, क्या महाकर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है या फिर यथावत महाकर्फ्यू को रखा गया है अभी भी? भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू लगातार जारी है, 3 अप्रैल से ही महाकर्फ्यू है, ये लगातार 3
मई तक जारी रहेगा, इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। जहां तक खाद्य सामग्री की बात है, होम डिलीवरी के रूप में घरों में पहुंच रही है, दवाइयां दूध भी होम डिलीवरी के द्वारा घरों में जा रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जो छूट दिए, जो नगर परिषद क्षेत्र से बाहर आते हैं उनको शेषर छूट दिए कि वो अपने श्रमिकों को अपने यहीं कैंपस में अगर उनको रहने की और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो वो चलेंगी। आशीष, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी भीलवाड़ा को लेकर। भीलवाड़ा में 11 दिन के बाद फिर से पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, लगातार पॉजिटिव केस आते जा रहे हैं, राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो साथ ही भीलवाड़ा में भी काफी दिनों बाद फिर से पॉजिटिव देखने को मिले हैं। आशीष, हमने कल भी विस्तार से खबर चलाई थी कि अभी 900 लोगों के रिजल्ट आने बाकी भीलवाड़ा में जी, और भीलवाड़ा अभी कोरोना विजय से बहुत दूर है। 900 लोगों में से कितने पॉजिटिव आते हैं इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, तो उसमें कुछ रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें 4 पॉजिटिव आए हैं जी, लेकिन इसमें जो सबसे हड़कंप मचाने वाली बात है जी, जिससे बहुत लोग हिल गए हैं भीलवाड़ा में, और जो मामूली बात नहीं है कि भीलवाड़ा के जिस मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है कोरोना पॉजिटिव का जी, 73 लोग वहां पर इस वक्त रखे हुए हैं, आज 4 और नए भर्ती किए गए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 77 लोग हो गए। उस हॉस्पिटल का स्टोर इंचार्ज, नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनका बेटा पॉजिटिव निकला है जो दिल्ली से आया था जी, और उसको उन्होंने क्वारंटाइन करके नहीं रखा, अपने साथ घर में रखा जी। ये स्टोर इंचार्ज वो व्यक्ति है जो पिछले जब से ये कोरोना क्या आया है वहां से सामने भीलवाड़ा में, कोरोना ने दस्तक दी थी भीलवाड़ा में, जब से तब से ये हर वार्ड इंचार्ज को, हर नर्स को जो दवा लेने जाता है ये अपने हाथ से दवा देता है, बिल्कुल सबके हाथ से पर्ची लेता है और मास्क देता है, सैनिटाइजर देता है। ये स्टोर इंचार्ज का बेटा आ गया है जो घर में साथ रहता है, तो इनको क्वारंटाइन तो किया गया, लेकिन पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर, जिस जिस मेल नर्स ने, फीमेल नर्स ने, जिसने भी इनको जाके पर्ची दी, इनसे दवा ली पिछले 15-20 दिन में जी, सबके सब हिले हुए हैं। क्या पूरे अस्पताल के उस स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा, ये प्रश्न अभी सामने आ रहा है जी। हमारे संवाददाता जल्दी प्रशासनिक अधिकारी से बात करके वहाँ इस बात की कोशिश करें जानने की जी, कि क्या अस्पताल के हर वार्ड बॉय को, हर इंचार्ज को जो इस दौरान दवाई लेकर आया उनसे, और सिर्फ वो ही नहीं, दवाई लाकर उसने फिर दी भी है किसी को, बिल्कुल किसी को खोल के दवाई गोली दी है, किसी को पानी पिलाया है, किसी को, मतलब पूरा अस्पताल संकट में आ गया इस वक्त। अस्पताल के सारे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी सब संकट में आ गए हैं इस व्यक्ति के कारण। तो अब ये भीलवाड़ा के लिए बहुत बुरी खबर है, 4 तो पॉजिटिव आ गए आज सुबह जी, और 4 पॉजिटिव के बाद में एक ऐसा पॉजिटिव आया जिसके पिता स्टोर इंचार्ज हैं उस अस्पताल में, जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है जी कोरोना पॉजिटिव का। और पहले भी भीलवाड़ा में अस्पताल से ही कोरोना का संक्रमण फैला था और काफी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वो अस्पताल बांगड़ अस्पताल था जी, वो डॉक्टर थे एक, उनके जरिए फैला था, उन्होंने मरीज देख लिए थे 500-700, उनके साथ के 2 डॉक्टर ने मरीज देख लिए थे जी। उससे जिस तरह बखूबी भीलवाड़ा के प्रशासन ने उसको हैंडल किया, विजय प्राप्त की, 28-27 में से 2 की डेथ हुई, 25 को वो ठीक करके ले गए घर पे, 26 को, आज स्थिति दूसरी हो गई है बिल्कुल। और ऐसा लगता है पूरी दुनिया भीलवाड़ा मॉडल होता, भीलवाड़ा को शायद नजर लग गई दुनिया की जी। ये काफी बड़ा मामला हो सकता है और बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा भीलवाड़ा जिला प्रशासन को, और उस स्थिति में ये होगा कि स्टाफ भी जयपुर से या कहीं और जगह से भेजना पड़ेगा जी, मुझे ऐसा लगता है। मैं अभी, ये सब परसेप्शन है मेरा, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता जब तक प्रशासनिक अधिकारियों से वास्तविक जानकारी नहीं मिल जाए, लेकिन स्टोर इंचार्ज के बेटे के पॉजिटिव निकल जाने के बाद स्टोर इंचार्ज को क्वारंटाइन किया गया। उस स्टोर इंचार्ज ने लगभग हर वार्ड के बॉय को, इंचार्ज को दवाइयां दी पिछले 15 साल में, सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हैं, बहुत सारी चीजें पैक्ड होती है, बहुत सारी चीजें खुली होती है जी। जो लोग उनसे लेके गए उन्होंने भी फिर आगे किसी और नर्स को दी होगी देने के लिए दवा। तो ये बड़ा भारी संकट मेरी दृष्टि में पैदा हो गया है और इससे प्रशासन को निपटना एक बड़ी चुनौती होगा। एक चूक ने बड़ी गंभीर समस्या में भीलवाड़ा को फिर से डाल दिया है जी। अब वो बच्चे को अगर दिल्ली से आया था, मुझे पता लगा क्वारंटाइन रख लेते बच्चे को,
जी तो शायद इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। इसलिए बार बार सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एकांतवास में रहो, क्वारंटाइन रहो अगर बाहर से आए हो तो आप, और अकेले रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बार बार कह रहे हैं, लोग इसको मजाक समझते हैं, पर एक व्यक्ति का जरा सी लापरवाही पूरे अस्पताल को, अस्पताल में जो इलाज करा रहे हैं उनको, जो अस्पताल में काम कर रहे हैं उनको, और भविष्य में जो उस अस्पताल में और काम करना है उन सबको भारी पड़ सकती है। बिल्कुल सर, चलिए सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी प्रदेश में किस प्रकार से व्यापक तौर पर कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, साथ ही भीलवाड़ा के लिए चिंता की लकीरें अब खिंचती जा रही है।